मनीष लखनऊ में क्या हाल है? लखनऊ में पेट्रोल डीजल, खाने पीने की चीजें, और क्योंकि फलों की महंगाई भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना काल में सरकार कह रही है सबसे इम्यूनिटी बढ़ाइए, फल खाइए, आप अच्छी चीजें सब्जी खाइए। कैसे खाए आदमी? 100 रुपए का सेब 250 रुपए किलो पहुंच गया है, 180 रुपए में 2 कीवी मिल रही है। मनीष कि गौरव चौहान ओर से परेशानी है, एक तो बीमारी परेशान कर रही है, दूसरी महंगाई ने परेशान कर रखा है। डीजल और पेट्रोल की बात करें तो यूपी में पेट्रोल पर 26.84% वैट लिया जाता है और या फिर 18.74 रुपये, जो इसमें से ज़्यादा होता है वो उसकी दर लागू होती है। डीजल पर 17.48%, ये वैट की दर उत्तर प्रदेश में लागू है। डीजल की जो महंगाई है खाद्य पदार्थों पर असर डालती है। मैं थोक मार्केट में मौजूद हूँ जो कि अय्यागंज में है। दालों की कीमतें बढ़ गई है, खाद्य ऑयल की कीमत बढ़ गई है। बात कर सकते हैं आप छिटपुट जो उनसे बात कर सकते हैं पर। बिल्कुल बिल्कुल, नवीन अग्रवाल जी हैं जो यहाँ पर थोक के विक्रेता हैं। भाई साहब जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए किन किन चीजों पर महंगाई बढ़ी है और उसका असर क्या पड़ा है। नहीं, कड़वे तेल पे ऑयली आइटम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा था और अरहर दाल वगैरह भी तेज हुई थी लेकिन अब डाउन हो गई है। अच्छा, फिर दालों से राहत मिली है लेकिन जो खाद्य ऑयल है उन पर कितने से कितने रुपए तक की बढ़ोतरी हुई? बहुत तेज हो गया, 110 रुपये पहले पिछले साल था, इस साल 200 रुपये 180 रुपये तक तेल बिक गया। 200 रुपये 180 से 200 तक आप दे रहे हैं? तो हम 160 रुपये किलो का दे रहे हैं इस समय, तेल 180 रुपये तक पहुँच गया था। ये केवल एक ही तेल पे है, सरसों के तेल पे या फिर सूरजमुखी के तेल पे, मूंगफली के तेल पे? मूंगफली तेल सब तेज, जितने भी तेल ब्रांड है सब पे बढ़ गया था। हाँ, रिफाइंड भी तेज हो गया था, सनफ्लावर भी तेज हो गया, कड़वा तेल भी तेज हो गया था। तो उससे जो आपकी बिक्री है उस पर कुछ असर पड़ा? बहुत असर पड़ गया, बहुत असर पड़ा। दानो आदमी लेगा कहाँ से, बजट से बाहर जा रहा है आदमी का। इनसे पूछे मनीष, क्या इनको ये बताया जा रहा है कि आगे कुछ राहत मिलेगी? दालें ठीक है, दालें में कोई दिक्कत नहीं है, दालें में पोजीशन में है, दालें नीचे आ गई हैं सब, वो तो काफ़ी अच्छी। कुछ राहत मिलने की उम्मीद है कि राज्य सरकार अपनी दरों में कुछ कम करे, 5% लिया जाता है, तो कुछ ऐसा कुछ आश्वासन मिला है क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है, 5% ही खाली। मार्केट को समझ रहे होंगे आगे क्या उम्मीद है आप? अब आगे तो बता नहीं सकते, लोग बता रहे थे कि जो देखा रहा है दालें कुछ कम हुई हैं तो उससे थोड़ी सी ऊँचा उम्मीद बनी है कि हाँ मार्केट नीचे आ जाएगी तो दुकानदारी कुछ बढ़ेगी। तो गौरव, दालों ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है लेकिन जो खाने वाला तेल है उस पर अभी हाल फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद यहाँ के थोक विक्रेताओं को नहीं है। आप देखेंगे वैसे तो लॉकडाउन का माहौल है लेकिन लॉकडाउन में भी अक्सर जो 11 बजे तक का समय है भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप एक दुकान से देखेंगे पीछे तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी, तो लोग भी थोड़ा सा टाइट होके चल रहे हैं। वही है डिमांड और सप्लाई का गैप जो होता है। मैं जितेश आपके पास आता हूँ, जितेश मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन विजय जी देखिए हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है वो महंगाई को प्रभावित करता है। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अभी तो डिमांड ही नहीं है और सप्लाई में कोई दिक्कत दिख नहीं रही, थोड़ी बहुत सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है लॉकडाउन की वजह से, उसके बावजूद इस तरह का महंगाई का बढ़ना। देखिए सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुई है, आप खुद ही बता रहे हैं। हाँ। कि किसान अपनी फसल को खुद ही ट्रैक्टर चला के बर्बाद कर रहा है। यहां पे जरूरत है इन किसान नेताओं को, इन किसानों से माल लेके रिटेल करने का, कंज्यूमर को देने का। किसान आंदोलन को अगर वास्तव में इस देश की चिंता है तो जो किसान अपनी फसल बर्बाद कर रहा है उससे माल ले, और जो कस्टमर इतना महंगा सब्जी का दाम दे रहा है, तेलों के दाम दे रहा है या फलों के इतने ज्यादा दाम दे रहा है और तरफ किसान को कुछ नहीं मिल रहा, तो किसान नेताओं को अपनी किसान मंडियां लगानी चाहिए ना। वो क्यों नहीं कर रहे इस समय जब दोनों तरफ नुकसान हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रही है बात। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे ना किसान नेताओं को कंज्यूमर की चिंता है, ना उनको किसानों की चिंता है, और पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो बीच में बिचौलिए हैं वो पूरी मलाई खा रहे हैं। इसीलिए नए कानूनों की जरूरत थी जिसका इन किसान नेताओं ने विरोध किया। अच्छा, आपको समझ में आई ये बात कि क्यों हम चाहते थे कि बिचौलियों से किसानों को? मेरे समझने और ना समझने से कुछ नहीं होगा, समझना तो इस देश की जनता को है, इस देश की सरकारों को है। आपके माध्यम से जनता को हम सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, मैं जितेश के पास जाना चाहता हूँ। जितेश, जयपुर में क्या हाल है? जयपुर की ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए जी। गौरव,
जी गौरव, कोरोना, एक तो कोरोना, ऊपर से महंगाई, कोड में खाज वाली मुहावरा सिद्ध हो रहा है, दोहरी मार जनता पे पड़ रही है। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक फल जो सब्जी की दुकान है वहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ पर अमूमन सब्जियाँ महंगी हो गई है ड्यू बिकॉज ये इनका जो यहाँ पे व्यापारी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उन्होंने हमें बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होने से ये दाम बढ़ रहे हैं। सर किस किस पे कितना कितना दाम बढ़ गया? सब में 5-5-10 रुपए किलो रेट बढ़ा हुआ है। पहले जो चीज 20 रुपए किलो थी आज 25 रुपए किलो मंडी में हो गई है। जैसे खीरा है पहले 10-12 रुपए किलो था, आज 20-22 रुपए किलो मंडी में हो गया है। और केरी है, केरी 15-20 रुपए किलो थी, आज 30 रुपए किलो मंडी में हो गई केरी। नींबू पहले 40 रुपए किलो था, 60-70 रुपए, 60 रुपए किलो मंडी में है। तो हर चीज में मतलब क्या है, पेट्रोल डीजल महंगा होने के चक्कर में सब चीज के रेट बढ़े हुए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का, दरअसल ये जो सब्जियां हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से लाई जाती है, कहीं ना कहीं मंडियों तक ट्रांसपोर्टेशन के सहारे आती है। जो ट्रांसपोर्टर हैं मंडियों में, ट्रांसपोर्टर ने अपना पैसा बढ़ा दिया है, जिसके कारण से अब उपभोक्ता तक जो सब्जियां पहुंच रही है वो महंगी पहुंच रही है। हर सब्जी में 5-10 रुपए का अंतर आ गया है, टमाटर में अंतर आ गया है, टमाटर के दामों में, और कहीं ना कहीं हर दामों, हर हरी सब्जी में। और लोग इस कोरोना पीरियड के अंदर, एक बड़ी रीजन ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर से हमने बात की थी, कोरोना जो काल चल रहा है उसके अंदर लोग ज्यादा हरी सब्जियां उपयोग में ले रहे हैं, खा रहे हैं हरी सब्जियां, और हरी सब्जियों में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए भी हरी सब्जियों की खपत बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई की जिसकी आप बात कर रहे थे, तो डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम आ रही है, इस कारण भी ये मूल्य बढ़ा है। तो कह सकते हैं जनता पर दोहरी मार है। तो सब्जी नहीं है केवल जितेश, बहुत सारी चीजें हैं सब्जियों में, हो सकता है उतना ना बढ़ा हो जितना फलों में, खाने के तेल में और दालों में बढ़ा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।